हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का 12वां अध्याय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारा वही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए तथा इसे चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं एक्स तथा वाई के बीच रखिए। तार एक्स वाई कागज की सतह के लंबवत रखा है। इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक्सूचक रखिए, मतलब दिशा बताने वाली घड़ी रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। दिक्सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। यहाँ पर हम एक वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। 1777 में जन्म हुआ था और 1851 तक इन्होंने अपनी सेवाएँ दी थी। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिक में से एक हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने वैद्युत चुंबक को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ओस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएँ हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओस्टेड रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होती है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव और उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चुंबक के निकट लाने या दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, इसका कारण बताना है आपको। किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज लीजिए, उसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण छितराइए। इस कार्य के लिए नमक छित्रावक का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? लोह चूर्ण स्वयं को चित्र 12.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है? यह पैटर्न क्या निर्दिष्ट करता है? चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। क्या किसी
छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाय भी है? वास्तव में आप स्वयं किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप है, एक छड़ चुंबक अथवा एक छोटी दिक्सूची लीजिए, किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए कागज के बीचों बीच चुंबक को रखिए, चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए, दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियाँ पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि उसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव तक पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब कागज़ पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त क्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएँ खींचिए। आपको चित्र 12.4 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएँ चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का प्रेक्षण लीजिए। चुंबक के ध्रुव के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मान जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के ध्रुव के उत्तर ध्रुव के निकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशान पर ध्यान दीजिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। दो क्षेत्र रेखाएँ कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो उसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्रियाकलाप 12.1 में हमने देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। एक लंबा सीधा तार, डेड वोल्ट के दो या तीन सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र में दिखाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप को दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 12.5A में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। चित्र 12.5B में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन का प्रतिस्थापित कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है, मतलब बदल गई है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाहिक सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे।
एक 12 वोल्ट की बैटरी एक परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक 0 से 5 एम्पियर परिसर का एमीटर, एक प्लग कुंजी तथा एक मोटा सीधा लंबा तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अविलंबत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराकर यह सावधान रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे ले डुले नहीं। चित्र 12.6 ए में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदुओं एक्स तथा वाई के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी एमीटर धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी में संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लोह चूर्ण एक समान रूप से चित्राइए। इसके लिए आप नमक चित्रावक का उपयोग भी कर सकते हैं। धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदु एक्स तथा वाई के बीच लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लोहचूर्ण के पैटर्न को परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लोहचूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री तल वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। इस संकेंद्री वृत्त क्या निरूपित करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? वृत्त के किसी बिंदु जैसे पी पर दिक्सूची रखिए। सुई की दिशा का परीक्षण कीजिए। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए। यदि सीधे तार में विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में भी उत्क्रमित हो जाएगी? इसका परीक्षण कीजिए। इस प्रकार से यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दें तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है तो तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु जैसे क्यू पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हम यह देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चित्र 12.6 में यह देखा जा सकता है। जैसे जैसे विद्युत धारावाही चालक तार से दूर हटते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ अंगूठे का नियम। किसी विद्युत धारावाही चालक में संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि उसका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा कि दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त या दाएं हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसे आप याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए एक उदाहरण है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण पाइपलाइन या पावर लाइन से में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके नीचे ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यहाँ आपको खुद करने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। और तीसरा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद क्यों नहीं करती हैं? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए कि इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास या लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी विद्युत धारावाहिक पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुँचते हैं, इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाहिक तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक ही दिशा में होती हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाहिक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुणा अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाहिक परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 12.2 में दर्शाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 12.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखने पर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। जैसे मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपको खुद देखने हैं, ये करने वाले प्रैक्टिकल वाले प्रश्न है ना। अगला टॉपिक है अपना चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर बल। हमने यह सीखा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसिस वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाहिक चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए, जैसे चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। अनुसार इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज तक लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक के इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रहे तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखिए। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारण नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एल्युमिनियम छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा में प्रवाहित कराइए। आप क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विक्षेपित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। यह क्यों विस्थापित होती है? उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन में हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है।
अब चुंबकीय ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उत्तम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं, जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी बोलते हैं। क्रियाकलाप 12.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया था कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम, जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त या बाएं हाथ के नियम कहते हैं, द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यम और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा चालक के में प्रवाहित धारा की दिशा में की ओर रहे की ओर संकेत करे, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़ें और कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं करने की कोशिश करें। हाँ, औषध में चुंबकत्व, मतलब मेडिकल साइंस में चुंबक का क्या उपयोग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा द्वारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रीय कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में इसके एक अरबवें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या MRI कहते हैं, के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इस प्रतिबिंब का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। घरेलू विद्युत परिपथ, हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जैसे जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों के से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में से ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक परिपथों में आपूर्ति करते हैं। प्राय घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पियर धारा अनुमतांक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत सांद्रित्रों जैसे गीजर, वायु शीतर, एयर कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए किया जाता है, जैसे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार जिस पर प्राय हम विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर एक गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत स्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि विद्युत के आवरण वाले विद्युत सांद्रित्रों से में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरण में संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सांद्रित्रों के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस सांद्रित्र का
विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस आदित्य को उपयोग करने वाले व्यक्ति विद्युत तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 12.15 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत सादित्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक सादित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छानुसार उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करा जा सके। सभी सादित्रों को समान वोल्टता मिल सके इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। पिछले अध्याय में हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा सादित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा सादित्र में कोई दोष रहता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघुपतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत सादित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। फ्यूज में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि में भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत सादित्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।